दोस्तों जब भी हम किसी शहर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, बिजी रोड, कैसीनो और चमकती हुई रातें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताएंगे जो पहले कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी है, यानी प्रकृति ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। नंबर एक पर है टनल ऑफ लव। सालों से छोड़ी हुई चीजें हमेशा डरावनी और भयानक होती है, बिल्कुल इस टनल की तरह। यूक्रेन के एक छोटे से शहर से थोड़ी दूर में बने इस टनल का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रकृति यानी मदर नेचर को जाता है। सालों पहले वेस्टर्न कंट्रीज में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इस रेलवे ट्रैक के पास जानबूझकर इतने सारे पेड़ पौधे लगाए गए ताकि इनमें बंदूक और बारूद छुपाई जा सके। लेकिन वार खत्म होने के बाद जब यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो ये पेड़ बढ़ते ही चले गए। लेकिन हफ्ते में कुछ दिन चलने वाली ट्रेन की वजह से इन पेड़ों ने एक शानदार टनल का शेप ले लिया। आज ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत और पॉपुलर हो चुकी है कि हजारों किलोमीटर से लोग खासकर इस जगह का मजा उठाने आते हैं। ये जगह खासकर लवर्स को डेडिकेट किया गया है। तो दोस्तों क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ इस जगह पर जाना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दूसरे नंबर पर है गौकी आइलैंड। चाइना के उत्तरी भाग में बसा ये आइलैंड 100 साल पहले हजारों मछुआरों का घर हुआ करता था। जब ये सारे मछुआरे इसे छोड़कर जाने लगे तो नेचर ने खुद ही अपनी हरी चादर से इन सारे घरों को ओढ़ लिया और ये नेचर के सबसे करीब वाला गांव बन गया। यहाँ की ग्रीनरी देखकर हर कोई इस गांव का दीवाना हो जाता है। पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नेचर और इंसान यहाँ साथ साथ रहते होंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अब यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता, यानी इस गांव को प्रकृति ने पूरी तरह से अपने गोद में ले लिया है। तीसरे नंबर पर है रोज आइलैंड। हमारे भारत से कुछ दूर में भारत का ही एक आइलैंड है जो आज भूतिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड को 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। उस समय इसे जेल के लिए यूज किया करते थे। यहाँ पर जेल के अलावा कई सुंदर घर, पार्क, चर्च और एक शमशान घाट भी हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड वार में यहाँ पर कई मौतें हुई और 1940 में जापानीज लोगों ने इस पर हमला करके यहाँ के हजारों कैदियों को मार गिराया। लेकिन कुछ ही दिनों में एक बीमारी की वजह से यहाँ पर उनकी भी मौत होने लगी। लेकिन उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन नेवी ने यहाँ आने का सोचा, लेकिन वो भी यहाँ नहीं रह पाए और तब से लेकर आज तक नेचर ने इस पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। चौथे नंबर पर है द फ्लोटिंग फॉरेस्ट। ऐसा नजारा और ऐसी जगह आप अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे होंगे। आज से 100 साल पहले इन शिप्स को सरकारी कामों के लिए यूज किया जाता था और काम हो जाने के बाद इन शिप्स को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया, जिस पर प्रकृति ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि एक जंगल जैसा बन गया। इसकी फोटो को जब लोगों ने इंटरनेट पर शेयर किया तो लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। दोस्तों आप कौन से गाँव या फिर शहर में रहते हैं, यानी आप कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। पांचवें नंबर पर है द फिशिंग मॉल। आपने फिशेस की मार्केट तो कई देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो मछलियों का अड्डा बन चुका है। 1970 से पहले ये मॉल वहाँ के सबसे बड़े बिजनेस मॉल में से एक हुआ करता था, लेकिन नगर पालिका के कुछ रूल्स तोड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। इसके 2 साल बाद ही वहाँ पर भयंकर आग लग गई जिसकी वजह से उसकी छत ढह गई और बारिश का पूरा पानी वहाँ जमा हो गया। ऐसे अचानक बंद हुए मॉल को वहाँ के लोगों ने एक भूतिया मॉल घोषित कर दिया, लेकिन भूत से ज्यादा वहाँ मच्छर पैदा होने लग गए। इसके सॉल्यूशन के लिए वहाँ के लोगों ने इसके पानी में मछलियाँ डाल दी जो मच्छरों को खा जाती थी, यानी इस खंडहर मॉल पर अब इन मछलियों ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। दोस्तों क्या आपके घर के आसपास भी ऐसी कोई जगह है जो पूरी तरह से खंडहर और भूतिया बन चुकी है? अगर है तो हमें उसका नाम जरूर बताना। छठवें नंबर पर है कोलमांस कॉप। अफ्रीका के बड़े बड़े रेगिस्तानों में से एक नामीबिया के रेगिस्तान की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये बात 1908 की है जब एक ड्राइवर अपने बॉस की गाड़ी की रेती में फंसे चक्के को निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे वहाँ हीरो के होने का निशान मिला। इसके बाद ये खबर तेजी से फैलने लगी और कुछ दिनों में यहाँ हीरे की पूरी खदान खड़ी हो गई। फिर हजारों की संख्या में लेबर और इंजीनियर्स यहाँ रहने लगे। यहाँ से दुनिया का कुल 11.8% डायमंड निकाला जाता था, लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद यहाँ के डायमंड खत्म होने लग गए और यहाँ के सारे लोग धीरे धीरे करके यहाँ से कहीं और काम की तलाश में पूरे गांव को छोड़कर इसी हालत में चले गए और फिर नेचर ने यहाँ के हर एक कोने को वापिस रेत की चादर में ढक लिया।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे अजीब और सबसे सुंदर लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।